expand by using binomial expansion, expand by using binomial expansion. तो देखिए 2y(x) minus x by 2 raised to power 5 का expansion करना है ना, इसमें क्या करेंगे? तो देखिए a को क्या ले ले रहे हैं 2y(x), a को 2y(x), b को क्या ले ले रहे हैं minus x by 2, minus x by 2, ठीक है? अब चलिए इसको expand करें, तो a plus b raised to power 5 हो जाएगा, है ना? अब देखिए a plus b raised to power 5 का expansion, a plus b raised to power n का expansion क्या हो जाएगा बताओ? C0 a raised to power n plus C1 a raised to power n minus 1 b और plus C2 a raised to power n minus 2 b square plus C3 a raised to power n minus 3 b cube dot dot plus Cn plus Cr a raised to power n minus r ar है ना dot dot Cn a raised to power ये आपका फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है? इस एक्सपेंशन में ए की प्लेस क्या लिखेंगे, ए की प्लेस पर 2 बाई एक्स लिखेंगे, बी की प्लेस क्या लिखेंगे माइनस एक्स बाई टू ना, ठीक है? देखिए ए की प्लेस क्या लिखा जाएगा 2 बाई एक्स, बी की प्लेस क्या लिखा जाएगा माइनस एक्स बाई टू, तो चलिए इसमें लिखिए क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई टू और रेट पावर 5, एम की प्लेस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, n की प्लेस क्या लिखेंगे 5 ना, n की प्लेस 5 दे दे, तो चलिए 5 तो क्या हो जाएगा 5 c 0 ना a रेट पावर a रेट पावर n, तो a की वैल्यू क्या 2 / x है, तो 2 / x रेट पावर 5 हो जाएगा, फिर प्लस 5 c 1, ठीक है? a 2 / x रेट पावर 5 - 1 ना, माइनस b की प्लेस क्या है माइनस x / 2, ठीक है? फिर प्लस 5 c 2, 5 c 2 a raised to power मैंने a 2 by x 5 minus 2, ठीक है? b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू minus x by 2, फिर plus 5 से 3, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 2 by x 5 minus 3 ना, minus 2 by x minus x by 2 minus x by 2 raised to power 3, ठीक है? फिर plus 5 से 5 प्लस 5 सी 4 2 बाय एक्स, ठीक है? रेट पावर 4 माइनस एक्स बाय 2 रेट पावर 4 रेट पावर ये होगा 5 माइनस 4 सर, 5 माइनस 4 और माइनस एक्स बाय 2 रेट पावर 4, फिर प्लस 5 सी 5 5 सी 5 2 बाय एक्स 5 माइनस 5 और माइनस एक्स बाय 2 रेट पावर 5, ये आपका एक्सपेंशन हो गया ना, ठीक है? आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, इसको क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, तो चलिए कितना आ जाएगा, जैसे 5 सी 0 वैल्यू क्या होगी 1, 5 सी 0 वैल्यू क्या होगा बताओ, 5 सी 0 1 होगा ये ना, 5 सी 1 कितना होगा 5 सी 1 5 होगा, ठीक है? 5 सी 2 कितना होगा 5 सी 2 फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 2 है ना, देगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इनटू 4 इनटू 3 अपॉन 2 इनटू 1 इनटू 3 फैक्टोरियल, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू 10 हो जाएगी ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये तो 1 हो गया, 2 रेट पावर 5 का वैल्यू क्या होगा 32, 2 रेट पावर 5 का वैल्यू क्या होगा 32 अपॉन x रेट पावर 5, 5 से 1 कितना होगा 5 ना, 5 भी दीजिए, और ये क्या मिलेगा 2 रेट पावर 4, 2 रेट पावर 4 कितना होगा 16, यहाँ मिलेगा x रेट पावर 4 को ले दीजिए और यहाँ क्या मिलेगा माइनस x अपॉन 2, ठीक ना? फिर अब यहाँ पर लीजिए 5 से 2, 5 से 2 वैल्यू आपने क्या निकाला 10 निकाला था, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 रेट पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, x रेट पावर 3 हो जाएगा इनटू ये कितना होगा बताओ, ये स्क्वायर है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 ना, फिर प्लस 5 से 3, 5 से 3 वैल्यू क्या होगा 5 से 3 वैल्यू है 5 से 2 बराबर होगा, 5 से 3 वैल्यू क्या होगा बताओ, 5 से 3 लिख सकते हैं 5 से 5 माइनस 3 माने 5 से 2, तो 5 से 3 5 से 2 की वैल्यू की रहेगी, तो जब 5 से 2 वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब / 8 हो जाएगा, ठीक है? 5 से 5 की वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा ना,
इनटू 2 अपॉन x हो जाएगा, इनटू x रेज़ टू पावर 4 बाय 16 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 1 इनटू ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 13, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 32 अपॉन x रेज़ टू पावर 5, ठीक है, x रेज़ टू पावर 5। अब आप देखिए 16 5 जो क्या हो जाएगा, एक एक कट जाएगा तो जाएगा 8 ना, तो प्लस है माइनस है माइनस हो जाएगा, और 5 × 8 = 40 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, 40 अपॉन एक्स 4 है एक्स है एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये 4 हो गया 4 2 जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 20 एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा नीचे एक्स हो जाएगा एक, और 10 × 2 = 20 हो गया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि 3 पावर में से 2 पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 1 = 4 2 जा, ठीक है, और 2 1 = 5 तो कितना हो गया 5 हो जाएगा। फिर प्लस 5 और मैंने ये एक्स 3 है और 2 है तो 3 - 2 एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये अच्छा ये क्या है माइनस है तो प्लस माइनस प्रोडक्ट माइनस होगा इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा ना। अब इस टर्म में ये इस टर्म में जो है ये आपका 2 है ये 16 है तो 8 हो गया तो 5/8 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5/8, ठीक है, और एक्स रेट फॉर 3 एक्स रेट फॉर 3 हो गया, है ना। अब इसमें ये प्लस है माइनस है माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस होगा तो माइनस एक्स रेट पावर 5 अपॉन 32 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 पावर 5 है तो टर्म कितने होंगे 6 होंगे ना, ठीक है। चलिए कॉपी राइट डाउन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कॉपी करो।